एवरीवन, आज हम आपके सामने एक छोटी सी मेंटल मैथ्स की शीट लेके आए हैं। जैसे क्लास फर्स्ट या यूकेजी के मीन्स जिन्होंने बच्चों ने पढ़ लिया है उनको भी आप करा सकते हो। सिंपल सी वर्कशीट है जो घर पे बच्चे ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और इससे क्या है कि उनको प्रैक्टिस भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ बॉल्स। आप कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, काउंट द नंबर ऑफ बॉल्स। बच्चे को बेसिकली क्या है, ये पढ़ना समझ में आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो समझ में आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉल्स हैं, तो बच्चा क्या लिखेगा, 8। विच इज हैवियर, जैसे एक नॉर्मल बॉल ले लिए, एक फुटबॉल बना दिए, तो कौन सी हैवियर है, ठीक है। फिर 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, अब आपने बच्चे को किस तरीके से सिखाया है। जैसे अगर आपने एबाकस तो अभी नहीं बच्चे को आता है, जैसे काउंटिंग के रूप में सिखाया है, जैसे 10 देन 10 20 होता है, या फिर आपने नंबर लाइन की हेल्प से जब 4 टाइम्स ऐसे ही करेंगे तो जिस भी रूप से समझाए तो बच्चे को वो रिवाइज करवाइए। देन 40, ऐड 3 टू 7, 3 में से 7 और जोड़ना है, तो अभी आपने जैसे 3 सिखाया था फिर इसमें 7 और करवाइए जिस तरीके से करते हैं। तो जैसे 3 लिखा है, देन 7, 5 फिंगर्स ये, 2 ये, तो पूरी जाके 10 होंगी, तो फिंगर की हेल्प से या जिस हेल्प से आपने सिखाया बच्चे को। देन हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 5 आर देयर इन 15, मीन्स हाउ मैनी ग्रुप्स 5 कितनी बार है, कितने ग्रुप्स हैं 5 के। तो इधर 15 में 3 बार हैं और इधर देखिए ये 2 बार ग्रुप्स हैं। तो ये एक छोटा सा जैसे यहाँ पे कितने ग्रुप बन रहे हैं, 2 ग्रुप बन रहा है, तो 2 ग्रुप तो होते नहीं है 15 में। 15 में हमारे कितने होने चाहिए, 3, जैसे ये है। तो ये करेक्ट क्रॉस आंसर है और ये आंसर हमारा सही है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चा करेगा। देन हाउ मैनी टेंस आर देयर इन 60, कितने हैं, तो वो 6 होंगे। अब वो तो शायद अबाकस की हेल्प से आपने बच्चे को सिखा दिया होगा, 1s और 10s और 60 में यहाँ 6 होने चाहिए इस तरीके से। तो क्या है लिखेगा बच्चा यहाँ पे, 6। देन 8 प्लस 8 आपको बच्चे को करना है इस तरीके से। मतलब आप कोशिश करके हर तरीके के क्वेश्चन इसमें डालिए। फिर व्हाट इज द आफ्टर 50, 50 के बाद क्या आता है, 51। हु इज लाइटर, यू और योर मदर, मीन्स कौन हल्का है। तो जैसे बच्चा लिखेगा, या आप यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए इस तरीके से, इज योर इरेजर थिकर देन योर टिफिन बॉक्स, थिकर मोटा, या मीन्स अभी आप मोटा ही समझाइए एक तौर पे, बाकी थिक तो मीनिंग अलग होता है। तो आपका क्या जो इरेजर है बच्चे का वो टिफिन बॉक्स से ज्यादा थिक है, तो येस और नो, तो नो। फिर एड 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से काउंटिंग भी बच्चे को आनी चाहिए। 1 मोर देन 5 इज 6। तो ये एकदम छोटी छोटी सी वर्कशीट है जो आप बच्चे को ऐसे कराते रहेंगे। फिर 1 लेस देन 10, 10 से 1 कम होगा तो क्या होगा, 9। 10 फिंगर से 1 हटा दी तो कितनी बची, 9। फिर वही 5 प्लस 5 हम करेंगे तो कितना आएगा, 10। फिर विच कम्स आफ्टर 11, विच नंबर कम्स आफ्टर 11, 11 के बाद क्या आएगा, 12। हाउ मैनी बॉल्स आर देयर, वही 4। फिर हाउ मैनी मोर टू मेक 10 बॉल्स, मतलब 6 में अभी कितना हम जोड़े कि ये 10 बॉल्स हो जाए, तो 4 है, मीन 6 में ऐसे आप काउंट करवाइए, या फिर 10 में 6 माइनस करवाइए, बच्चे को आप समझाइए थोड़ा। फिर क्या है इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये सीरीज है, कंप्लीट करेगा बच्चा 8 9 10 और 11। फिर देखिए 12 आ गया है। ज्वाइन द डॉट्स, जो डॉट्स को ज्वाइन करेगा, कोई भी आप इसमें फिगर बनवाइए, डायग्राम बनाइए, स्क्वायर बन गया, देन ट्राइंगल का कंसेप्ट आ गया। कलर एवरी सेकेंड बॉक्स, सेकेंड मतलब फर्स्ट बॉक्स ये है, सेकेंड कार्डिनल नंबर्स का यूज भी यहीं पे हो जाता है, ऑर्डिनल कार्डिनल का। सेकेंड बॉक्स क्या होगा, ये फर्स्ट है देन ये सेकेंड, तो सेकेंड ये वाला कलर करेगा। तो इस तरीके की आप छोटी सी एक शीट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।